हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नारायस फैम चैनल। सो गाइस, हम अपने कपड़े वॉश करने के लिए आए थे और अभी हमने कपड़े डाल दिया है, अभी आधा घंटा लगेगा, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे बालों को देख ही सकते हो, मैंने इतने सारे क्लचर लगा लिए कि मेरे से बाल बर्दाश्त ही नहीं हो रहे पीछे चिपके हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बार बार स्वेटिंग हो रही है मेरे को नेक पे, और मैंने अपना पेंडेंट वगैरह सब उतार दिया इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कुछ चीज चिपके मेरे गले में। और अभी मैंने कपड़े चेंज करे थे क्योंकि मॉर्निंग में मैंने इसको फ्रॉक पहनाई थी, बट इसको छीके भी आ रही है और इसका कफ भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फुल स्लीव की टी शर्ट पहनाई कि भाई कभी उससे और ठंडी ना लग जाए, क्योंकि एसी की हवा भी चल रही थी घर में, मतलब एसी चल रहा था, तो मुझे लगा कभी इसको और ज्यादा ठंड ना बैठ जाए। सो इसलिए अभी बाहर आया है तो वो इरिटेट हो रही है कि मेरे को नीचे उतारो, कि आप लोग क्यों बैठे हो, उसके पापा कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए और हम अभी एसी की हवा में बैठे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि बाहर बैठा नहीं जा रहा उनसे। बस अभी कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर थोड़ा सा घूमेंगे। सो नायरा को देखूं मैं, नहीं तो आज ये बहुत इरिटेट कर रही है, इसको आज कफ जमा हुआ है ना, इसी वजह से ज्यादा इरिटेट हो रही है कि मेरे साथ ही रहो, मम्मा पापा मुझे मिनी मिनी घुमाओ, तो आज ये अपनी फरमाइशें ही कर रही है कि बस मेरी फरमाइशें पूरी कर दो। तो जरा मैं नायरा को देखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हम आ गए थे घर पर और बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके बाद मैंने अपना लंच वगैरह बनाया, मतलब लंच में कुछ ऐसे खास बनाना ही नहीं था, जैसे कि मेरी दाल रखी थी कल की, तो मैंने तो दाल चावल खाया और इसके पापा ने गोभी के पराठे खाए, उनका मन था कि आज गोभी के पराठे खाने हैं, तो नायरा ने अपना दूध रोटी खाई, बहुत मुश्किल से, जो उसका कफ जमा हुआ है उससे उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा उसने खा लिया। और उसके बाद नायरा और मैं तो रिलैक्स करने के लिए लेटे और दोनों सो गए, तो मैं तो उठ गई हूँ, नायरा अभी सो रही है, और अभी मेरे कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं, उनको फोल्ड करना है, नहीं तो मेरा एक काम निपट जाता, बट वो काम नहीं निपटा, तो अभी नायरा उठने वाली है, उससे पहले मैं अपना काम निपटाती हूँ और उसके बाद अपने घर के काम और जो बच रहे हैं वो करूंगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपना ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके। गाइस, नायरा उठ गई है, मैंने अपने बाल भी टाई अप कर लिए, तो गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर। सो बस नायरा को अब मैं थोड़ा सा शांत करती हूँ, आज पता नहीं बहुत लेजी लेजी हो रही है, वही कफ की वजह से परेशान हो रही है, तो जरा मैं नायरा को देखती हूँ, रुच के बोल नायरा नॉर्मल होती है फिर हम बात करेंगे, ठीक है। हम बाहर गए थे और जब मैंने बताया था कि हम कपड़े वॉश करने के लिए गए थे, तो उस टाइम पर हमें लिडल से फ्रूट्स वगैरह लेने थे, नायरा के लिए पपाया लेना था स्पेशली, बट वो मिला नहीं, तो वहाँ पर इसको दिख गया पूल, और ये पूल में बैठी है मैडम, तब तो मैंने इसे सुला दिया था जैसे तैसे इसको बातों में बहका भुकू के, और उसके बाद ये सो गई, डेढ़ घंटे में उठी है और अभी मेरे पास आई थी, और उसके बाद इसने फिर से देखा वो पूल को और बोलती पानी भरो, तो इसमें थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है, एक घंटा इतना रोना धोना मचाया है इसने, और ऊपर से इसका कफ भी हो रहा है, हमें ज्यादा टेंशन तो इसकी कफ की है कि रो रो के खांसी कर रही है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, एक घंटे तक रोना धोना जो हुआ है इस मैडम का, अभी लगी हुई है अपने खेल में। और मैं बार बार बोली मैं खाना बनाने जाऊं तो मेरे को खड़ा भी नहीं होने दे रही है। ओधी बोलो मेरा पूल है, ये दिखा दो, बोलो गाइस मेरा पूल, ये गुड गर्ल। नेहरू को नहाओ नहाओ कराएगी मम्मा कल, है ना छोना, नेहरू फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बैठ के नहाओ नहाओ करेगा, है ना छोना। सो नायरा को जरा मैं देखती हूँ और अपना खाना भी बनाती हूँ, खाने में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसके लिए दलिया बनाऊंगी और सोचूंगी अपने लिए भी दलिया बना दूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ये खेलने में लगी हुई है, अब टाइम भी निकल गया है, तो जरा मैं अपना दलिया वलिया बना कर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, इस मैडम को संभालू। नायरा सो गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, उसको आज कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो अभी बड़ी मुश्किल से उसको मैंने खाना भी खिलाया, नहीं तो वो खाना भी नहीं खा रही थी, दलिया भी उसको गले में लग रहा था, आज बहुत ज़्यादा खांसी और कोल्ड हो गया है उसको, तो आज बहुत इरिटेट थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, और नायरा के साथ ही मैं पूरा दिन रही हूँ, इसके पापा भी नायरा के साथ ही रहते, तो हम दोनों बस उसको ही कोई नॉर्मल करने में लगे हुए थे कि उसको खांसी ना हो, पर वो बहुत परेशान थी,
तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया, और घर के काम भी बहुत थे, वो कपड़े वॉश करना और ये सब फोल्ड वगैरह करके रखने का भी, और उसके बाद नायरा की भी तबीयत मतलब ख़राब हो रही थी, तो हमें थोड़ा सा टाइम वही सब करने में मेरे को लग गया। सो अभी भी मेरे से ऐसे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि नायरा को देख देख के मेरा भी गला वैसा हो रहा है कि मेरे को भी गला बैठने वाला है। सो बस अभी रात के 12 बज चुके हैं, और मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करने के लिए मैंने ऑन किया था, मैंने गुड नाइट भी नहीं बोला और नायरा ने भी नहीं बोला है गुड नाइट। तो कोई नहीं, अभी बस मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, फेस वॉश वगैरह करके, और सुबह से मेरे बाल ऐसे ही जूड़ा बना हुआ है, मैंने आज बाल भी नहीं बनाए ऐसे चक्कर में, क्योंकि वो मेरे को कुछ भी नहीं करने दे रही थी कि मम्मा आप मेरे पास ही बैठे रहो, तो इसलिए मैं उसके साथ बैठी हुई थी। तो मिलते हैं, देखते हैं, कल नायरा मैडम मेरी अच्छी होगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी। और जो स्विमिंग पूल खेल रही थी उसमें तो वो नॉर्मल हो गई थी, उसके बाद फिर से उसको खांसी हो गई, मानी नहीं थी, जिद में आके उसने पानी से खेली कि मैं उसको बार बार बोल रही थी बेटा ठंड लग जाएगी, पर नहीं मानी, पर उसका गला अभी भी खांसते खांसते सोई है वो। तो चलो मिलते हैं आपको हम कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट, कट। नायरा की तरफ से भी कट।